एंड वेलकम टू आमिर सर और हैशटैग सवाल सुनने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूं आपके नए सवालों के साथ, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपको तो पता ही क्या करना है, वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। एक और चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, मेरा एक कॉमेडी चैनल भी है अमिका कॉमेडी तड़का के नाम से, लिंक आपको उस चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस चैनल को चेक कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि मैं एवरी वीक फनी फनी वीडियोस उसमें लाती रहती हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते सवालों की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है बाला साहब जोड़ेकर, वो पूछ रहे हैं जो मैंने टूर कराया था नवी मुंबई में 2 BHK का, तो उस पे उन्होंने पूछा 1 BHK अवेलेबल है क्या और कॉस्ट प्लीज। तो 1 BHK जरूर अवेलेबल है, उसमें कॉस्ट आपको 40 लाख का पड़ जाएगा। नेक्स्ट है मुकेश गुप्ता जी, हाय मुकेश जी, वो बोल रहे हैं थैंक्स एंड डू वी हैव एनी 1 RK और 1 BHK इन मोहन पार्क्स एज रेडी टू बाय नाउ। वो बदलापुर जो मैंने प्रॉपर्टी का बताया था आपको उस पर उन्होंने पूछा है, एंड वो बोल रहे आर यू अ रियल एस्टेट एजेंट? नो नो, आई एम नॉट एन एनी एजेंट, ओके आई एम अ यूट्यूबर। और उसमें 1 RK तो नहीं है लेकिन 1 BHK आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है रौनक सिंह, हाय रौनक जी, वो बोल रहे हैं कि विद फर्नीचर है क्या फ्लैट में, वो उन्होंने जो भी होम टूर मैंने कराया था उसके बारे में उन्होंने पूछा, तो वो विद फर्नीचर नहीं है, विदाउट है। और नेक्स्ट है लक्ष्मी जी, हाय लक्ष्मी जी, वो बोल रहे हैं कि नाइस टू एक्सप्लेन विद प्राइस, इट्स वेरी यूजफुल टिप्स फॉर सब्सक्राइबर्स, थैंक्स टू यू, आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट लक्ष्मी जी। और डेफिनेटली मैं प्राइस के साथ इसीलिए बता दी ताकि आप लोग को भी अगर आसानी हो बनाना है, आप लोग को भी रूम, मतलब मैंने बताया था अपना रूम टूर कराया था उसमें मैंने सब प्राइस के साथ आपको फर्नीचर बताया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, बहुत लोगों ने वो वीडियो को पसंद किया है, थैंक यू सो मच उसके लिए। और प्राइस के साथ इसलिए बताती हूँ ना ताकि आप लोग को भी बनाना हो तो आसानी हो, क्योंकि सबसे पहला फैक्टर हमारा बजट होता है, तो उस पर ही मैं फोकस करती हूँ। नेक्स्ट है शाहाना जी, हाय शाहाना जी, वो बोल रहे हैं कि इसकी तासीर ठंडी होती है गर्म, प्लीज रिप्लाई। तो चिया सीड्स की वो बात कर रहे हैं जिसके बेनिफिट्स मैंने शेयर किए थे, तो चिया सीड्स की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है राजकुमार जी, हाय राजकुमार जी, वो बोल रहे हैं कि ये रिपेयर करने कहाँ जाए। तो एटम्बर क्रेनिसा प्लस, मैंने स्मार्ट प्लस का फैन का रिव्यू किया था, अनबॉक्सिंग किया था, तो उस पर उन्होंने पूछा है कि इसको रिपेयर करने कहाँ जाए। तो राजकुमार जी आप कंपनी में कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आ जाएंगे रिपेयर करने उनके टेक्नीशियंस। नेक्स्ट है अक्षत कुमार, हाय अक्षत जी, वो बोल रहे हैं मैम जो आपने लिंक दिया है उसमें तो इसका डिजाइन अलग है, क्या इस लिंक से परचेज करने से आप वाला जैसा स्प्रे आ जाएगा? तो नैनो मिस्ट स्प्रे का मैंने रिव्यू किया था कुछ दिन पहले, वो बहुत ही ज्यादा काम की चीज है दोस्तों, उसे आप जरूर लें, बहुत ही बजट में है। और वो पूछ रहे इसी में कि मेरा जो डिजाइन था और वो और जो मैंने लिंक दिया था उसका जो फोटो है वो अलग है। एक्चुअली थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा, काम वो सेम करेगा, लेकिन डिजाइन का जो फर्क है वो थोड़ा बहुत हो सकता है। वही लिंक से मैंने भी परचेस किया है तो फोटो जैसे तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे अलग डिजाइन का मिला, लेकिन काम वो सेम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बटन खाली कभी ऐसा डिजाइन का होगा, कभी वो डिजाइन का होगा, तो उसी का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन बहुत ही काम की चीज है, इन दिनों जो ये चल रहा है ना कोरोना वायरस, उसके लिए बहुत ही काम की चीज है, आप उसे लेके जरूर रखें, बहुत ही काम की चीज है। नेक्स्ट है कांचन सक्सेना, हाय कांचन जी, वो बोल रहे हैं कि सोफा कम बेड का रेट क्या है? 11,000 का है वो सोफा कम बेड मेरा। नेक्स्ट है कुंजल चाऊ जी, हाय कुंजल, वो बोल रहे हैं कि क्या इसमें ब्लैंकेट डाल सकते हैं? कितना वेट कैरी कर सकता है ये रॉड? जो मैंने आपको बताया था कि मैं कपड़े कहाँ सुखाती हूँ, कैसे सुखाती हूँ, क्या चीज यूज करती हूँ कपड़े सुखाने के लिए, वो चीज भी आप लोगों ने बहुत पसंद की है। एक्चुअली सब चीजें ना अपने घर के लिए बहुत ज्यादा काम की है, तो यही चीजें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ जो बजट में हो और जो आपको यूजफुल हो आपकी डेली लाइफ के लिए। तो उन्होंने उसमें पूछा कि क्या वो रॉड जो है ब्लैंकेट का लोड ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, वो रॉड जो है ब्लैंकेट का लोड आसानी से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो डबल बेड की ब्लैंकेट ही क्यों ना हो, ठीक है, मजबूत प्रोडक्ट है वो। जैसे श्वेता शिव भाई डियर, वो बोल रहे हैं कैन वी वॉश कढ़ाई एंड कुकर इन दिस? वोल्टस बेको का डिश वॉशर का रिव्यू किया था मैंने, उसपे वो पूछ रहे हैं कि कैन वी वॉश कढ़ाई एंड कुकर? कढ़ाई एंड कुकर शुड बी स्टील वन, आप एल्यूमिनियम वाला नहीं यूज कर सकते हो, कोई भी डिश वॉशर हो आप एल्यूमिनियम वाला मत डालिए, आप स्टील वाला आपके पास है तो बिंदास आप उसमें डाल सकते हो, कढ़ाई और कुकर जो भी आपके पास है। नेक्स्ट है सुजीत मैथी, हाय सुजीत जी, वो बोल रहे हैं मटेरियल्स डिलीवरी इज पॉसिबल एट कोलकाता लोकेशन? कोलकाता में
सी, मैंने जो सोफा कम बेड का रिव्यू दिया था वो मैंने खरीदा था ऑफलाइन मार्केट से, मेरे यहाँ पे जो मार्केट है मुंबई में वहां से खरीदा था। आप कोलकाता से हो नो कि वो डिलीवरी करते हैं कि नहीं, और आप लोगों ने सोफा कम बेड को बहुत ज्यादा पसंद किया, थैंक यू सो मच उसके लिए। और वो कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भी मांग रहे हैं वो शॉप का, तो अभी तो फिलहाल लॉकडाउन में सब बंद है, सब शॉप्स बंद है, मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर अभी नहीं है। अगर मैं कभी गई वहां पे उस एरिया में तो मैं जरूर कांटेक्ट नंबर आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, तो आप लोग बिल्कुल वहां से ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं लूंगी पक्का। कभी गई वहां पे तो मैं वहां से कांटेक्ट नंबर जरूर आप लोग के लिए लेके आऊंगी, ठीक है। और एक चीज सुजीत जी मैं बोलना चाहती हूँ आपको कि मैंने लिंक भी दिया हुआ है सोफा कम बेड्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके आप, ये सिमिलर वाला तो नहीं मिल रहा है मुझे भी मतलब ऑनलाइन मार्केट में, ऑफलाइन में मुझे मिला है। अगर आप चाहते हैं तो लिंक आपको ऑनलाइन का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, और थोड़ा डिफरेंट होगा लेकिन सोफा कम बेड ही होगा, उसका लिंक मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है विनीत राज। हाय विनीत जी, वो बोल रहे हैं डिड यू फेस एनी इश्यूज टिल नाउ, आई एम प्लानिंग टू बाय दिस मॉडल नाउ, प्लीज रिप्लाई। उनके दो क्वेश्चन है, तो उन्होंने IFB के माइक्रोवेव का मैंने रिव्यू किया था उसके ऊपर पूछा है। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू बाय दिस मॉडल बट वेटेड बिकॉज दिस वॉज 2017 मॉडल, शुड आई बाय दिस प्रोडक्ट और बाय 2020 अदर मॉडल। देखिए अदर मॉडल भी आप बाय कर सकते हो, IFB इज अ वेरी गुड ब्रांड इन माइक्रोवेव्स, ओके। तो माइक्रोवेव का उनका अच्छा अच्छा फीचर वाला माइक्रोवेव आता है, ये वाला भी आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली लिया है, वो भले ही 2017 का हो लेकिन बहुत ही अच्छा मॉडल है। और अगर अगर आपके पास 2020 का कोई और मॉडल है आपकी नज़र में, अगर आपको अच्छा लगता है तो IFB का है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। IFB इज ऑल्सो गुड, LG इज ऑल्सो गुड, सैमसंग इज ऑल्सो गुड, तो ये सारे अच्छे से ब्रांड्स है। IFB अगर आपको पसंद है तो आप डेफिनेटली लीजिए, मैं रेकमेंड करूंगी क्योंकि मैं खुद वो यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो यही सारे थे आज के सवाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, क्योंकि मैं एवरी वीक आपके सवालों का जवाब लेके आती हूँ। और हमारे सब्सक्राइबर्स जल्द ही 1 लाख होने वाले हैं, तो प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जो भी वीडियोस आपको यूजफुल लगे उन वीडियो को शेयर करें, कि जल्दी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स जो है वो कम्प्लीट हो, 1 लाख माइलस्टोन तक हम पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।